नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में तो इसके कहने ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। इसमें मैंने आलू, गोभी, मटर, टमाटर और गाजर का इस्तेमाल किया है। यह सीजन की सब्ज़ी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो चलिए देखते हैं इस सब्ज़ी को हमने किस प्रकार से तैयार किया है। मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गोभी ले ली है, मटर, गाजर, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ, आलू ले लिए हैं, इसको मैंने दो तीन पानी में साफ़ कर लिया है, और मेथी। इस सब्ज़ी को हम कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो चुका है, हम जीरा डाल देंगे, लहसुन और अदरक थी, अब प्याज डाल लेंगे, प्याज हो चुके हैं, अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, और लाल मिर्च। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें वेजिटेबल डाल दूँगी, मटर डाल दूँगी, गोभी डाल दूँगी, गाजर डाल दूँगी, आलू डाल देंगे, और मेथी भी डाल देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारी वेजिटेबल मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसे ढककर पका लूँगी 10 मिनट के लिए। अब मैं अपनी सब्जी को एक बार चेक कर लूँगी ये पकी है या नहीं। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और मिक्स कर देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और सब्ज़ी को निकाल कर दिखाऊंगी बाउल में आपको।
ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म सब्जी बनकर तैयार है। आप भी खा लीजिए, और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।